वहीं यूक्रेन के वॉर जोन से इस समय सबसे ज्यादा बाखमुट क्षेत्र में इन्फेंट्री का नुकसान हो रहा है। पूर्वी क्षेत्र को लेकर रूस और यूक्रेन की आक्रामकता लगातार बढ़ रही है। देखिए रिपोर्ट। बाखमुट की बारूदी जमीन पर आमने सामने की जंग जिस स्थिति में इस समय है उसका अनुमान कभी नहीं लगाया गया था। वैगनर लड़ाकों के सहारे बढ़त बनाते रूस को रोकने के लिए यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंक रखी है। दावा है कि अब इस क्षेत्र में अजोव फोर्स की मदद के लिए अजरबैजान के सशस्त्र बलों को उतारा गया है। दावा है कि प्रोगोजिन की प्राइवेट आर्मी के क्षेत्र से हटते ही यूक्रेनी सैनिकों ने यहां बढ़त बनानी शुरू कर दी है। यूक्रेनी सेना अब यहां रूसी पोस्ट पर मैनपैड से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दाग रही है। वीडियो जारी कर यूक्रेन ने रूस को भारी क्षति का दावा किया है। अब यूक्रेनी फोर्स की इस आक्रामकता को देखिए। जर्मन ATGM से फायर का ये वीडियो बड़ा संदेश है। संदेश ये कि रूसी लड़ाके अब बाखमुत में कमजोर हैं और वो लगातार पीछे हट रहे हैं। हालांकि अब भी वैगनर सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर बाखमुत पर कब्जे की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यूक्रेनी फोर्स के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन मुमकिन है कि ये ज्यादा समय तक ना चले। लेकिन खेरसोन में रूसी सेना फिर आक्रामक हमले करती दिखी।